बार राजा विद्याधर के दरबार में एक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करने आया। है कोई जो पेश करे मिसाल, इस शेर को बिना पिंजरा खोले बाहर दे निकाल। विजयनगर वासियों की बुद्धिमत्ता को ललकार रहे हो, वो भी महाराज के सामने। महाराज विद्याधर को अपनी प्रजा और अपनी बुद्धि पर बहुत अभिमान था। मोम के शेर को वो देखते ही पहचान गए। तुम्हारे मोम का शेर पिंजरे के बाहर है कलाकार। ये विजयनगर है, यहाँ तुम अपनी चालाकी से किसी को मूर्ख नहीं बना सकते। अब जनता तय करेगी कि हम तुम्हारे साथ क्या करें। क्यों कलाकार, मिल गया जवाब? जवाब नहीं, इसको तो सजा मिलनी चाहिए। सजा? हाँ, सजा मिलनी चाहिए। अच्छा सबक मिला इस कलाकार को। हाँ हाँ, सही कहा। तुम्हारी ये अवस्था किसने की बालक? राजा विद्याधर ने गुरुवर। उन्हें अपनी और अपनी प्रजा की बुद्धिमता पर बहुत घमंड है। किसी कलाकार का ऐसा अपमान कोई राजा करता है क्या? राजा विद्याधर हमारे ही शिष्य हैं, परंतु लगता है उन्हें फिर से सीख देने की आवश्यकता है। उमेश, हरीश, महेश। गुरुजी ने राजा का अहंकार तोड़ने के लिए अपने तीन प्रिय शिष्यों को बुलाया। जो आज्ञा गुरुवर, ऐसा ही होगा। वो तीनों भेष बदलकर अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने चल पड़े। श्रीमान, ये पत्ते कैसे दिए? 10 सिक्कों के 200, बिल्कुल ताजे हैं। बोलो कितने दूं? ये 10 सिक्के रखो और मुझे अभी सिर्फ 25 पत्ते दो। बाकी 175 पत्ते जब मेरा लड़का चिट्ठी लेकर आएगा उसे दे देना। बढ़िया बढ़िया, शॉल ले लो। बोलिए श्रीमान, कौन सी वाली दूं आपको? मुझे तो ये वाली शॉल चाहिए। दुकान की सबसे अच्छी शॉल पसंद की है आपने श्रीमान? पारखी है आप, सिर्फ 200 की है। ये 25 सिक्के लीजिए, बाकी के 175 उस पान वाले के पास रखे हैं। आप वहाँ किसी को भी भेजकर मंगवा सकते हैं। मेरी चिट्ठी उसे दीजिएगा, वो आपको दे देगा। अब गुरुजी के दूसरे शिष्य मनीष की बारी थी। मनीष जिस दुकान में गया वो कोई ऐसी वैसी दुकान नहीं थी, राजा के कारीगर की दुकान थी, जहाँ उसकी बनाई एक से एक लोहे और लकड़ी की चीजें थी। राज कारीगर है ना? मनीष को बड़ा रईस समझकर दुकान वाला उसके पास आया। आइए श्रीमान, आप जैसे लोगों के लिए ही मैंने एक अद्भुत यंत्र बनाया है। कोई चोर अगर हाथ लग जाए तो इसे पहनकर आप बंदी गृह तक ले जा सकते हैं। उसे चोर भाग नहीं पाएगा। तितोली करने के लिए मैं ही मिला हूँ। अरे जो चोर जंजीर तोड़ के भाग जाता है वो इस लकड़ी से रुकेगा क्या? मैं राज कारीगर हूँ श्रीमान, इसकी मजबूती साबित कर सकता हूँ। लगाइए ताला श्रीमान जी और देखिए इसकी मजबूती। मनीष को जैसे इसी मौके का इंतजार था, उसने राज कारीगर के कहने पर ताला लगा दिया और उसकी हालत पर हंसता हुआ चाबी अपने साथ ले गया। जैसे ही ये खबर राजा को लगी वो गुस्से से आग बबूला हो गया। बस बहुत हुआ, कोई हमारे लोगों को बेवकूफ बनाकर हमारे साथ उपहास कर रहा है। हम स्वयं उसे बंदी बनाएंगे। राजा भेष बदलकर निकल पड़ा और उसने देखा नगर के दरवाजे पर सुनसान जगह पर एक आदमी आम का टोकरा लेकर बैठा है। वो कोई और नहीं, गुरुजी का तीसरा शिष्य उमेश था। अरे
इसने अपनी दुकान नगर के द्वार पर क्यों लगाई है? कहीं मेरे लोगों को मूर्ख बनाने वाला यही तो नहीं है? भाई आम कैसे दिए? मैं यहाँ आम बेचने नहीं बैठा हूँ। तो नए आए हो क्या? तुम्हें पता नहीं आजकल राज्य में एक गिरोह घूम रहा है जो लोगों को बेवकूफ बनाता है। हमारे राजा भी उनसे परेशान है। हाँ वो तो है। उस गिरोह का सरदार इसी मार्ग से जाने वाला है। हाँ? मैं उसे पकड़कर राजा के हवाले कर दूंगा। तुम जानते हो सरदार को? अरे और नहीं तो क्या, बहुत लंबा तगड़ा और ऊंचा है वो। देखोगे तो हालत पतली हो जाएगी। चलो चलो अपना रास्ता लो। अरे भाई मैं भी उसे ही देखना चाहता हूँ, यहीं कहीं छिप जाता हूँ। अरे तुम ऐसे ही नाचते रहोगे तो मैं उसे पकड़ नहीं पाऊंगा। तुम एक काम करो, तुम इस आम के बोरे में छुप जाओ और आवाज मत करना, जल्दी करो। राजा उमेश की बातों में आकर बोरे में छुप गया और उमेश ने बोरे को बंद कर दिया। बेचारा राजा थोड़ी देर तक तो चुप रहा, लेकिन जब बहुत देर हो गई तब उसने आवाज लगाई। अरे खोलो, वही है, खोलो इसे। लेकिन वहाँ कोई सुनने वाला तो था नहीं सिवाय बैल के। सैनिकों ने जैसे ही बोरे को खोला तो देखा उसके अंदर राजा था। सरदार आ गया क्या? अगले दिन दरबार में गुरुजी को अपने शिष्यों और उसी कलाकार के साथ देखकर विद्याधर हैरान हुए। गुरुवर ये तो वही है जिसने तुम्हें बोरी में बंद किया था। हाँ ये मेरे शिष्य हैं जिन्होंने तुम्हें और तुम्हारे तीनों व्यापारियों को बेवकूफ बनाया था। हाँ? और इन्होंने मेरे ही आदेश का पालन किया है। ये सब तुम्हारे अभिमान को तोड़ने के लिए आवश्यक था विद्याधर, ताकि तुम फिर कभी अपने ज्ञान के घमंड में किसी कलाकार का अपमान न करो। मैं समझ गया, मुझे क्षमा करें गुरुवर। विद्याधर को सीख मिली, उसने कलाकार और शिष्यों को उपहार देकर विदा किया।